आगे बढ़ती हूँ। बात आकांक्षा मर्डर मिस्ट्री की, जिसमें आरोपी समर जेल में बंद है, लेकिन नए सीसीटीवी के जरिए केस में अब नए किरदार जुड़ रहे हैं। साथ ही एबीपी न्यूज को आकांक्षा और समर के रिश्ते से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत से कुछ घंटे पहले की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। 25 मार्च की रात करीब 9:15 बजे आकांक्षा अपने दो दोस्तों के साथ क्लब में नजर आ रही है, जबकि दूसरी तस्वीर रात करीब 2 बजे की है, जब वो वापस होटल में लौटती है। दोनों ही तस्वीरों में आकांक्षा के हाव भाव सामान्य नजर आ रहे हैं। आखिर कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने आकांक्षा को मौत की नींद सोने को मजबूर कर दिया? ऐसे ही कुछ सवालों के तह तक जाने वाली एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज को मिली है। समर के मोबाइल से पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। 25 मार्च को आकांक्षा समर की 5 से 6 सेकंड की कॉल हुई। चैट में आकांक्षा समर के बीच तकरार का पता चला है। दोनों के बीच पिछले एक महीने से बातचीत कम हो रही थी। पुलिस ने आकांक्षा के फोन भी फॉरेंसिक लैब को भेजे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में समर ने माना कि आकांक्षा से उसके प्रेम संबंध थे। फिलहाल समर 15 दिनों के लिए जेल में बंद है और आकांक्षा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की पूछताछ जारी है। तलाक के चक्कर में फंसे उत्तर प्रदेश के बाहुबली का आज क्या होगा? हम बात कर रहे हैं राजा भैया की, जिनकी पत्नी भावनी सिंह से तलाक की अर्जी पर आज साकेत फैमिली कोर्ट में सुनवाई है। जिस शख्स के खौफ से किसी वक्त उत्तर प्रदेश के कई इलाके थर्राते थे, आज उस शख्स पर उसकी ही पत्नी इतनी भारी पड़ रही है कि वो जान छुड़ाने को मजबूर हो गया है। जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल कर रखी है, जिस पर दिल्ली की साकेत फैमिली कोर्ट 10 बजे सुनवाई करने वाली है। डिवोर्स पिटीशन में राजा भैया ने पत्नी भानवी कुमारी सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। राजा भैया ने पत्नी पर परिवार के सदस्यों के साथ साथ खुद उनसे लड़ाई झगड़ा करने के आरोप लगाए हैं। राजा भैया की शादी 1995 में पुरानी बस्ती के राज परिवार की राजकुमारी भानवी सिंह के साथ हुई थी। राजा भैया और भानवी के 4 बच्चे हैं, इनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। राजा भैया के 2 जुड़वा बेटे हैं, जिनकी उम्र करीब 19 साल है। बीजेपी के राज में राजा भैया फिलहाल राजनीतिक तौर पर ढलान पर हैं। ऐसे में उनका बाहुबली वाला रुतबा भी उनकी पारिवारिक मुश्किलें घटा नहीं पा रहा, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब राजा भैया के नाम की तूती बोला करती थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।